ਦੇ 110 ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ 110 ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੋਣੀ। नमस्ते आओ आप प्रज्ञा सलोत्रा ते तो सारे लोग दिखा कर दे सीधी लकीर ते उम्मीद करनी है तो सारे लोग खरे भी होंगे। आज जेड़ी मैं तुसें गी चीज़ सुना लगी हाँ और दस लगी हाँ शायद तुसें गी सुनिए भी और दिखिए भी यकीन नहीं हो पर गल सही है झूठी आऊँ गल दस दी सीधी लकीर आए तो मैं तुसें सब तो पहले बोर्ड तुसें पढ़ा लगी हाँ द 110 बजट बाजार। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, झी खरी लगी अस सोचा वीडियो कर लैने। 110 बजट बाजार का मतलब इस दुकान के अंदर जिस दुकान का नाम 110 ये हर एक चीज़ जी तो हैगी 110 रुपए की थोनी। धरोइए पढ़ लो तुम होलसेल एंड रिटेल ऑफ ये तुम्हें खड़ौने थोनगे, क्रॉकरी का समान थोनगा, गिफ्ट आइटम थोनगियाँ, प्लास्टिक की चीज़ा है, चप्पल भी है ना, डेली नीड आइटम भी है ना, कॉस्मैटिक जनानी हो धरोइए सुनो कॉस्मैटिक का समान भी जोड़ा वो है ना। परती सुनानी प्रमोशन कोई नहीं है, आऊँ आपे जाइए अंदर दिखनी आ कि सच्चे के समान जरा थोड़ा ढंग का भी है, क्वालिटी भी है, जे रेट घट जरा थोवा दा इस क्वालिटी भी लोगों की थोआ रही और इं नहीं थोआ रही। और कहने हाँ ये जम्मू नहीं है, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, दिमाका गल बिठाई रखियो, आओ अंदर चलने। आऊँ आई दी हूँ दुकान के अंदर तो मेरे पीछे पहले तो समान देखो कि कितना समान जड़ा वो पे रहा जिस तुम्हें ग्रॉसरी भी लब्भा दी होनी। ये देखो इतने परदे भी जड़े ना तुसें गी थोआ रहे, खब्बे पासे जे तुसें गी दसा तो इतने छड़ा प्लास्टिक गे प्लास्टिक जड़ा पे रहा, टोकरियां पे रही, बाल्टियां पे रही, बैंटियां पे रही। तो ये देखो गमले भी जड़े ना वो पे रहे, निक्के साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं, गमले भी जड़े ने बखरे बखरे रेट रहेंगे वो पूछने। और हाँ जड़ी चीज़ जी मैं तुसें आखी कि अहें ये दिखना के इस दुकान के अंदर 110 तो वध दी कोई चीज़ जड़ी है वो है या नहीं है। इत्थे तुस दिखो ग्लास पे रहे, बाउल पे रहे और एरे कन्ने कन्ने इत्थे सारी गिफ्ट आइटम जड़ियाँ पे रही। और थोड़ा और मैं जे अगे जा तो इत्थे दी ओनर भी जड़ियाँ ने वो खलोती दियां ने तो उन्दे कन्ने गलबात आऊँ करनी आ। इन्हें डोगरी नहीं आती कि क्या चंडीगढ़ चाहे तो हिंदी गल करिए। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पुष्पा राय। आप मुझे ये बताओ, पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि शॉप का खुले हुए कितना टाइम हो गया? मैम ये एक महीने हो गया, दूसरा महीना चल रहा है। सिर्फ एक महीना हुआ अभी? और इस दुकान का नाम मैं देख रही हूँ कि बड़ा ही यूनिक है, द 110, ये किसका आइडिया था, किसकी सोच? मैम ये हमारे बेटे का है आइडिया। अच्छा, आपके बेटे का आइडिया, वैसे आप देख के लगता नहीं हो कि आपका बेटा भी होगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ द 110 मतलब कि हर एक चीज़ का 110 रुपये की है या इससे बढ़कर भी है? मैम वैसे तो सारा 110 का ही है हमारा जो हमने रखा हुआ है, लेकिन कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे मैम हमने इधर सामान थोड़ा सा कॉस्टली है। अच्छा। ए पीस है मैम मार्केट में है 400 और जो इसको हमने रखा है 250 यहाँ पर। अच्छा, और ये किंग एंड क्वीन है मैम मार्केट में इसकी प्राइस है 900 रुपये और इसको हमने 500 रुपये रखे हैं। और बाकी ये जो है इसकी प्राइस तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी प्राइस यहाँ पर हमने 200 रुपये रखा हुआ। अच्छा, तो आप आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि द 110 क्यों, मतलब किसकी सोच थी ये कि 110 का ही सामान सारा बेचना हमने? ये जो बाकी जितना भी शॉप पे सामान दिख रहा है ये भी सारा 110 का ही है? यस मैम, कोई सामान 110 में एक है तो कोई 110 में दो है, कोई तीन है, कोई चार है, ऐसे ऐसे है। अच्छा, हाँ जी मैम 110 में चार मिल सकते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा बढ़िया, आप मुझे ये बताओ कि एक मतलब जहाँ पे महंगाई इतनी है, अभी कोविड से हम बाहर निकले हैं, दुकानदार रो रहे थे कि इतनी टाइम के लिए हमारा बिजनेस जो है वो बंद रहा, अब रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई हैं, लगाने वाली चीज़ें भी बढ़ गई हैं, खरीदने वाली चीज़ें भी बढ़ गई हैं, तो आप सिर्फ 110 पे क्यों अटके हो? मैम हम सीधे फैक्ट्री से सामान लाते हैं। अच्छा, दूर दूर से आता हमारा सामान जो है, और जो है हम कस्टमर के बजट के अनुसार ही जो है और अपने बजट के अनुसार हमने रखा हुआ है। अच्छा, हाँ मतलब आप कस्टमर का पहले सोच रहे हो? बिल्कुल मैम, कस्टमर तो सबसे पहले भगवान हमारे हैं। आप मुझे बताओ कस्टमर का तो सोच रहे हो, खुद भी कुछ फायदा आ रहा है? हाँ, थोड़ा हमें भी है, ज्यादा नहीं। अरे बाहर अगर कोई 80% कमा रहा है तो मैम हम 10% कमा रहे हैं बस। अच्छा, मतलब थोड़ा ही सही पर ठीक, थोड़ा ही, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े में ही खुशी है, थोड़े में ही कहते हैं पहले थोड़े में ही खुशी रखो और आगे भी हमारी जो शॉप है ऐसे ही चलेगी, मार्केट से हमारा रेट कम होगा। कम होगा,
ये इसलिए तो नहीं ताकि सारे कस्टमर जो है वो आप फटाफट ग्रैब कर लो? नो 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 मैम, ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है। नो नो नो, हम कस्टमर को धोखा कभी नहीं देंगे। कस्टमर को नहीं, बाकी मार्केट के मतलब कंपैरिजन में आपके पास कस्टमर जो है वो ज्यादा खींचा चला है, वो भी है। अच्छा, कस्टमर को जहाँ बेनिफिट होगा मैम, कस्टमर वहीं जाएगा। बिल्कुल, और हमें भी अपना बजट देखना और कस्टमर का भी बजट देखना है, इसीलिए इसका नाम रखा है बचत बाजार। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि एक महीना हुआ है आपको सिर्फ इस शॉप को खोले हुए, कैसा रिस्पांस मिला लोगों का? मैम रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या कहते हैं लोग आगे? लोग कहते हैं कि हमसे भी यही जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, वैसे वो भी कहते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इसमें, इतना सस्ते में क्यों दे रहे हो? देखो आप कस्टमर का सोच रहे हो, कस्टमर आपका सोच रहा है। बिल्कुल, कस्टमर ने भी हमें बोला कि आपको क्या बेनिफिट है इसमें, आपने क्यों क्या सोच के रखा? हमने कहा बेटे ने रखा हुआ है, बेटे को कुछ बेनिफिट लगा होगा, तो इसलिए जो है हमने। बेटा कितनी एज का है जिसका दिमाग चल गया? बेटा हमारा जो है 30 लगता है, 3 साल का मुड़ा हुआ है। 3 साल का बेटा आपका, करता क्या वो, मार्केटिंग ही करता है? मैम वो तो दरअसल CA है और बच्चों को पढ़ाता भी है, ट्यूशन देता है, लेकिन अब इसका जो इस लॉकडाउन में जो है घर बैठे बैठे उसने अपना ये दिमाग यहाँ दौड़ाया बिजनेस खोलने के लिए। अच्छा, और आगे भी अभी बहुत कुछ उसने खोलना है। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपकी कोई और शॉप है कि यही से घर का चलता है? होटल में भी है। अच्छा, वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आपका ये 110 ही है या कुछ और है? नहीं मैम, पहले वहाँ 99 था, लेकिन महंगाई जब जो हो गई तो वहाँ पर 110 कर दिया, 110 वहाँ भी है और 110 यहाँ भी है। अच्छा, मतलब ऋण में तू 110 तक पूज ही देना है, अगे भी बदी सक देना है, और ना गया नौबत कोविड वाली कहने की, और अगे बदरा पे तुंदा भी फायदा जड़ा होंदा रहे। तो मैं इनके को चीजा जड़ी मैं चाहनी, मेरा कैमरामैन थोड़ा कोल आए और तुसें की मैं दसा। 110 का मैम? अच्छा, 110 का ये भी पूरा सेट? हाँ जी मैम, एक केटल के साथ ही पूरा है। ठीक है, और ये भी 110 के हैं? ये सारी है जड़ियाँ गिफ्ट आइटम? हाँ जी मैम, ये सारे 110 के हैं। ठीक है, और ये भी 110 में 4 पीस हैं, ये भी 110 में है मैम, और ये भी हैं, ये सारियाँ 110 110 में? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, ये भी 110 में है मैम, और बाकी आगे भी जितने सामान है सारे 110 में ही हैं। तो ए जड़ा फैक्ट्री, ये भी मैम 110 में है, सारे इधर के 110 में ही है मैम। ए तो चलो तो दिख ही लिया कि हाँ, 100 वाली आटमा हूँ आने हैं, पर्दे भी मैम 110 में ही है। अच्छा, हाँ, सारा किश सारा इधर भी मैं दिखानी कि मग पे है ना, ये मग जो है 110 में 2 है। अच्छा, हाँ जी मैम, 110 में 2? हाँ जी मैम। ठीक है, और ये टोकरियाँ जो है 110 में 4 हैं। अच्छा, और ये 110 में हैं 3 पीस हैं। जनानियाँ मैं ही आने जनानी पता लग गया था एड्रेस पे। और ये भी मैम 110 में है। अच्छा, हाँ जी, और 110 में मैम ये कप है, स्टील का है, बस 1 पीस है। अच्छा, एक पीस 110 रुपये? हाँ, एक पीस 110 का है, ये भी सारे 110 में हैं, और ये बॉटल भी मैम 110 में 4 पीस हैं सारी। हाँ, वो पीछे दिखो तो हैं। हाँ जी, इधर वो दिखो, थे डब्बे डुब्बे पे देना, सारे टिफिन पे देना, खाली ट्रे पे दिया ना, ये सारा 110 रुपए रहा। बिल्कुल, ये सारे मैम टोटल इधर का सारा 110 में ही है। ये जड़ा मिशाल लग गया, ये काले वाला, ये किने दा मैम? ये भी 110 में ही है। जिहड़ी घरेलू जनानियां होंदियां जिहड़ी रसोई च काम करदियां उन्हें दिखिए ना, पहली गल तो यकीन नहीं होना है कि 110 रुपए रहा ये सामान, पर यकीन करना पौना क्योंकि सच्चाई है। कोई कस्टमर मैम बहुत क्वेश्चन करते हैं, पूरा ये डिनर सेट चढ़ा? यस मैम, ये भी 110 में 1 पीस है, ये 110 में 2 पीस है, ये 110 में 2 पीस है। अच्छा, ये 110 दे 2 पीस में? इस लाइन में सारे 2 पीस? 2 पीस है मैम। अच्छा, इस लाइन के सारे के 2 पीस? 2 पीस है। ठीक है, हमारे कोई भी दो चीजें ले लो तो 110 रुपए दी थी, ओके चाह रहा होता तुम्हें। और ये भी टोकरी भी मैम 110 में? ये भांडे जेडे पे रहे तो महंगे होने ना? नहीं मैम, ये भी 110 में ही है। अच्छा, ये भी 110 दे? हां जी मैम, ये भी 110। ये टॉप टूप सब के सब कुछ मैं मोल्ड में दिख लिया। मैं कड़ी कैली पूछा दी कि ए भी 110 दा, ए भी 110 दा, तो मैं भी सुनिए इरिटेट हो रहे कि कड़ी कैली पूछा रही जब उन्हें आखी की ओड़िया कि सारी चीजें 110 दी। गल ए है जिस वेले
कोई चीज जेड़ी तुहें गी हजम नहीं ना होने होंदी ते तुहें 10 बारी उसी मतलब पुछने होने हो तसल्ली ताईं अपनी कि नहीं ये सच्चे इन्नी दी है कि की ना नहीं होआ दा पर सच्चे मैं तसल्ली कर ली है सारियां चीजां जेड़ियां ना 110 दी हैं किश तुहें 110 दी जेड़ियां ओह मतियां चीजां थोई जाणगियां और कई चीज़ ऐसी है जिहदे च 110 दी तुहें गी इको आइटम जेड़ी है ओह थोनी है हूँ दुकान कुत्थे है पहले तो मैं सुनाओ उड़े चंडीगढ़ शहर च है तो हूँ एड्रैस प्रोपर एड्रैस जेड़ा वो के है इन्दे को जानते हैं क्या है एड्रेस यहाँ का मैम यहाँ का एड्रेस है एक मिनट शॉप नंबर 2 सूद कम्प्लेक्स वाटर टैंक नियर बैंक ऑफ बड़ौदा नया गाँव हट्टी है ठीक है तो ये हट्टी टाइमिंग क्या है जी टाइमिंग मैम सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक संडे को खुली रहती है यस मैम संडे को चलो मारा ठीक है जनानियां होई जाओ त्यार तो बंदे भी तुम्हें मैं सुनाना बंदे ताई भी बथेरी थे चीजें पर जनानियां ज्यादा खुशी होनी है इतने अंदर आइए की के किचन का समान है बाथरूम का समान है ठीक है डेकोरेटिव चीजा जड़ियां ना उत्थे तुसें गी थोई आनगियां ते मैं पहले ही क्लियर करी ओड़ा पहले भी बोलिया परती आखा नहीं कि मैं इतने कोई मशहूरी नहीं मतलब इनकी कोई पब्लिसिटी नहीं ना इनके कन्ने मेरी कोई दोस्ती है ना जान पहचान है बस एहो लई चीजा जो मैं लभदियां ना तो मेरी कोशिश यही होंगी कि ये चीज़ा तुंदे तक जरूर जड़ी है पुजन तो हूँ जम्मू वाले जिले कुदे चंडीगढ़ फराटी लगग तो इत्थे आइए तुस अपने बजट च चीज़ा जड़ियां वह खरीदी सकदे हो खाली जम्मू वाले नहीं बाकी लोग भी जिदा भी कुदा गेड़ा लगता है चंडीगढ़ वाली बखी तो तुस नवा गाँव जड़ा आई सकदे हो और उत्थे कुसे भी तुस पुछी लैगे कि 110 वाली दुकान कुत्थे तो महाराज हर कुत्ते तुसें एड्रैस जड़ा प्रॉपर दसी होना कि 110 रुपए वाली चीज़ा कुत्थे तो होनगियां और तुस इत्थे पुजो अपने बजट च शॉपिंग जड़ी है वह जरूर करो और फिलहाल मिगी देओ इजाजत नमस्ते।